नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि फैशन की दौर में गारंटी की इच्छा ना करें, लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि आप फैशन के साथ ही साथ अपनी गुडलक की गारंटी भी ले सकते हैं, तो ये कैसा रहेगा? आपने अधिकतर लोगों को हाथ या पैर में काला धागा बांधे हुए जरूर देखा होगा। कुछ लोग तो यह फैशन के लिए बांधते हैं और कुछ लोग यह नजरदोष से बचने के लिए बांधते हैं, लेकिन क्या वास्तव में काला धागा केवल फैशन के लिए ही बांधा जाता है, या फिर सच में इसका कोई वास्तविक महत्व भी है? क्या लोगों का ये मानना बिल्कुल सही है कि काला धागा आपको बुरी नजर से और बुरी नजर दोष से बचा सकता है? क्या लोगों का यह मानना सही है कि काला धागा आपको बुरी नजर दोष से बचा सकता है और आपको आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम दिला सकता है? क्या केवल एक धागा आपके ग्रहों को शांत कर सकता है और आपके जीवन में बिगड़ती हुई परिस्थितियों में सुधार ला सकता है? तो ऐसा क्या खास है इस काले धागे में? क्या हमारे शास्त्रों में, हमारे वेद पुराणों में भी काले धागे को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं? दोस्तों, यदि आप भी काले धागे के महत्व के बारे में जानना चाहते हैं, तो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नई प्रस्तुति में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, जिससे कि बागेश्वर धाम सरकार की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। और कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री राम जरूर लिखें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कितनी बार ऐसा होता है कि हम लोग भी एक तरह की भीड़ चाल में शामिल हो जाते हैं और जो बाकी के लोग काम कर रहे हैं, हम भी उनकी देखा देखी वही काम करने लगते हैं, और हम यह भी नहीं सोचते हैं कि यह जो काम हम करने जा रहे हैं, इसका असर हमारे जीवन पर अच्छा होगा या फिर बुरा होगा। कितनी बार यह सब हम फैशन के लिए करते हैं, या फिर कई बार हम लोगों की नजर में अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए यह सब करते हैं। इन्हीं सब कार्यों में से एक है हाथ और पैर में काला धागा पहनना। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग हाथ और पैर में काला धागा बांध कर रखते हैं। हालांकि आधुनिक जनरेशन बेशक से यह सब अपने फैशन के लिए करती हो, लेकिन हमारे शास्त्रों में काले धागे के बारे में ऐसी बेहद ही महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, जिन्हें जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि गुरुजी ने काले धागे के बारे में क्या क्या बताया है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में भी ऐसा बताया गया है कि यदि आप बार बार बीमार पड़ते हैं, या बहुत जल्द आपको लोगों की बुरी नजर लग जाती है, या फिर आपको बार बार ऐसा लगता है कि आपके चारों तरफ एक नकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित है, यानी कि यदि नकारात्मक ऊर्जा आप पर हावी हो जाती है, तो ऐसे में काला धागा आपकी कई प्रकार से सहायता कर सकता है। दोस्तों, यदि आप अपने पैर में काला धागा बांधते हैं, तो इससे न केवल आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है, बल्कि आपको अपने जीवन के कई पहलुओं में सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलते हैं। यह लोगों की बुरी नजर से भी आपको बचाता है और ऊपरी हवा से भी यह आपकी रक्षा करता है। लेकिन जब भी आप काला धागा अपने पैर में पहने, तो आप एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि यदि आप पुरुष हैं, तो आपको अपने सीधे पैर के अंगूठे में काला धागा पहनना है, और यदि आप एक महिला हैं, तो आपको अपने बाएं पैर के अंगूठे में भी काला धागा पहनना है। काले धागे को पहनते समय आप एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप काला धागा पहने, तो हमेशा उसमें गांठ लगाकर पहने। इससे क्या होगा दोस्तों, कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश रहेगा। काला धागा पहनने के लिए सबसे शुभ दिन शनिवार का है। शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान जी का दिन है। दोस्तों, इस दिन आप नजर दोष से बचने के लिए और भी कई उपाय कर सकते हैं, जिसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण और अचूक उपाय है काला धागा पहनना। काला धागा पहनते समय आप इसको हमेशा 2, 4 या फिर 6 के घेरे में ही पहने। ये आपको फैशनेबल बनाने के साथ ही साथ कई प्रकार के टोने और टोटकों से आपकी रक्षा करता है। दोस्तों, गुरुजी के अनुसार काला धागा पहनना आजकल के फैशन की देन नहीं है। पुराने जमाने से ही हाथ, पैर और गले में काला धागा पहना जाता रहा है।
दोस्तों वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि हमारा जो शरीर है ना वह पांच प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें है पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश। और इनसे जो ऊर्जा मिलती है उसी से हमारा शरीर चलता है। लेकिन यदि हम नकारात्मक ऊर्जा में फंस जाते हैं तो इन पांच तत्वों की ऊर्जा हमें नहीं मिल पाती है। और इसी नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए और इन पांच तत्वों की ऊर्जा अपने तक लाने के लिए हमें कई प्रकार के नजरदोष के उपाय करने पड़ते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि पुराने समय में हमारी दादी और नानी भी काला टीका लगाया करती थी, यानी वे सब पुराने जमाने से ही काला टीका और काला धागा पहनने पर जोर देती हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि काला धागा नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को पूरी तरह से खत्म कर देता है, जिस कारण नकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश नहीं करती और हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो दोस्तों इसी के साथ ही साथ यदि आपको श्वास से जुड़ी हुई कोई परेशानी है तो आप अपने हाथ में भी काला धागा पहन सकते हैं। लेकिन क्या आपको एक और बात पता है कि यदि आप काले धागे का ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो यह न केवल आपको नजर दोष से बचाता है बल्कि आपको मालामाल भी कर देता है। तो दोस्तों गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय को करने के लिए आप बाजार से सूती या रेशमी किसी भी प्रकार का काला धागा लेकर आ जाएं और आपको ये उपाय केवल और केवल मंगलवार या फिर शनिवार के दिन ही करना है। इस उपाय को करने के लिए आप काला धागा लेकर इन दोनों दिनों में से किसी भी दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएं और इस उपाय को करने के लिए आप काले धागे में 9 छोटी छोटी सी गांठ लगा लें और इसके पश्चात हनुमान जी पर जो चोला चढ़ा हुआ है उसके सिंदूर को लेकर इन 9 गांठों पर छोटी छोटी सी बिंदियां लगानी है और 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके इस धागे पर एक फूंक भी मारनी है और उसके पश्चात आप इस धागे को हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपकी रक्षा करें और उसके बाद आप अपने घर आकर इस धागे को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दीजिए। या फिर आपके घर में यदि धन नहीं रुकता है तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आप इस काले धागे को अपनी धन रखने की जगह पर रख दीजिए, जैसे कि आपकी तिजोरी या फिर आपकी अलमीरा, आप वहां पर उसको रख दीजिए। आप जहां पर भी अपना धन रखते हैं वहीं पर आप इस काले धागे को रख दीजिए। दोस्तों इस उपाय से क्या होगा कि जो भी नजर दोष है या फिर जो भी नकारात्मक शक्तियां आपके आसपास है वह आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी, वह बाहर के बाहर ही समाप्त हो जाएगी और इस उपाय से आपकी तिजोरी में भी हमेशा धन भरा रहता है। यदि दोस्तों आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, यानी आप किसी भी काम को करने जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि काम पूरा होने वाला है लेकिन अचानक से उस काम में कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, आप अपने कार्य को लेकर एकाग्रचित नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना होगा? दोस्तों एक और बात का ध्यान दीजिएगा कि मन एकाग्रचित करने का ये उपाय विद्यार्थी भी कर सकते हैं। यदि वह अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से अपना ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं तो वह भी यह उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप शनिवार को शनिदेव के मंदिर में एक काले रंग का सूती या फिर रेशमी धागा लेकर जाएं। दोस्तों जब आप अपने घर से शनिदेव मंदिर जाने के लिए निकलें तो आप रास्ते भर ओम शनि नमः का जाप करते हुए जाएं और इस काले धागे में 9 गांठ बांध लीजिए। अब जिस भी व्यक्ति को परेशानी है, जो भी बच्चा या व्यक्ति बीमार रहता है और जिस भी विद्यार्थी का मन पढ़ाई में नहीं लग पा रहा है, उसके गले में या फिर सीधे हाथ की कलाई में इस धागे को बांधें। दोस्तों यदि आप अपने गले में काला धागा पहन रहे हैं तो आप इसमें हनुमान जी का पेंडेंट या उनका लॉकेट भी डाल सकते हैं। ऐसा करने से आपका मन एकाग्रचित रहेगा और आपके मन के अंदर जो भी उथल पुथल चल रही है वह भी सब शांत हो जाएगी। वहीं आपका मन आपके कारोबार में, आपके व्यापार में भी लगने लगेगा। और दोस्तों इसी के साथ ही साथ यदि आपके कारोबार में तरक्की नहीं हो रही है तो आप इस काले धागे को अपनी दुकान या अपने ऑफिस के बाहर भी बांध सकते हैं।
या फिर आप इसको अपने गले में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके व्यापार में तो तरक्की होगी ही होगी, साथ ही साथ आप दिन दुनी रात चौगुनी नहीं बल्कि हजार गुना तरक्की करेंगे। दोस्तों, ये काला धागा ना आपको केवल नजर दोष से बचाएगा बल्कि आपके जीवन में सुख और शांति भी लेकर आएगा। दोस्तों, अगर वैज्ञानिक तौर पर भी देखा जाए तो काला रंग ऊष्मा को अपने अंदर सोखता है, इसीलिए यदि आप अपने हाथ या पैर में काला धागा धारण करते हैं या फिर अपने घर के या फिर अपनी दुकान या ऑफिस के बाहर काला धागा बांधते हैं तो यह काला धागा अपने अंदर बुरी नजर को, नकारात्मक शक्तियों को सोख लेता है और उसे आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करने देता है। यह बिल्कुल आपके लिए एक सुरक्षा कवच की भांति काम करेगा। तो दोस्तों, यदि आपके ऊपर शनि की कुदृष्टि चल रही है, यानी आप किसी भी प्रकार के शनि दोष से पीड़ित हैं और शनि की साढ़े साती या फिर ढैया आपको परेशान कर रही है, तो ऐसे में आपको क्या करना होगा? तो ऐसे में भी आपको शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में जाकर काले धागे पर नौ गांठ लगाकर उसको सिद्ध करना है और उसके पश्चात आप इसे अपने गले में पहन लीजिए। ऐसा करने के पश्चात शनिदेव का प्रकोप आप पर और आपके परिवार पर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि गुरुजी की बताई हुई ये सभी बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके और बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय श्री राम।